पहन लो, इधर आ जाओ जल्दी। और ये लो। सैटरडे को स्कूल, ये सरकार नहीं चलने वाली। स्कूल नहीं है पापा, फन फेयर है। यस, स्कूल फन फेयर, ढेर सारे स्टॉल्स, ढेर सारी गेम्स, कितना मजा आएगा ना। ओके चलो, ये आलिया का लंच बॉक्स, ये नैपकिन, ये टिश्यूज, ये अभी के डायपर्स, अभी के टॉयज, अभी की दूध की बॉटल, और कुछ रह गया नहीं। ओके चलो। रुको, अभी रह गया। मामा मेरा खाना है ना तुम्हारे टिफिन बॉक्स में। वो तो मेरे लिए है, स्टॉल पे बेचने के लिए खाना। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? बेटा तुम्हें स्टॉल पे खाना बेचना है? हाँ मामा, हमारी पूरी क्लास को फन फेयर में एक फूड स्टॉल मिली है जिसमें हमें घर से खाना लाके बेचना है। और ये तुम्हें टीचर ने कब बताया? लास्ट मंडे को। और तुम हमें कब बता रही हो? अभी। आलिया की बच्ची बताना भूल गई। कल रात का राजमा ले ले। स्नैक्स दिन है पापा, स्नैक्स। हाँ तो राजमा को रोटी में रोल करके बन गया मैक्सिकन टाको। सुमित मजाक बंद करो, इतने कम टाइम में स्नैक्स कहाँ से लाएंगे? दो मिनट है, नूडल बना दो। मुझे क्या मम्मी जी समझाए? हाँ रात के किसी भी टाइम उठा के लौकी के पकौड़े बनवा लो। लौकी के पकौड़े कौन खाएगा, बना दो। इतनी सी बात, तू बोल कौन सा स्नैक बनाऊं? दो मिनट में बना दूंगी। पनीर समोसे, अरवी रोल, आलू टिक्की। मम्मी जी रहने दीजिए, मैंने इंतजाम कर लिया है। मतलब कल रात के राजमा? नहीं सुमित, मैंने फोन पे स्नैक्स ऑर्डर किए हैं, जाते वक्त हम ले लेंगे। बाहर का खाना? मम्मी जी क्या करे, लास्ट मिनट है ना, कोई ऑप्शन नहीं था। चले सुमित, आलिया चलो। अरे लेकिन मम्मी जी बना देती। और फिर एक महीने तक मुझ पे एहसान झाड़ती। मम्मी जी को इस मेले से जितना दूर रखे ना उतना अच्छा है सुमित। चलो ना। एक मिनट माया, मैं भी चलूंगी मेले में, तेरे पापा जी और सोनू दोनों आएंगे, हाँ मजा करेंगे मेले में। चलो चलो आलिया, चलो चलो चलो। बहुत मजा आएगा। ये फन फेयर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, इसके पीछे एक मैसेज भी है, एक मकसद है जो सिर्फ हम बड़े अपने बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि उम्र के साथ साथ हम लोग की मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस लेवल बढ़ते जाते हैं। चल जोकर को पेलते हैं। आई मीन डियर पेरेंट्स, आप सब बड़ी मेहनत से अपने घरों से कुछ ना कुछ बनाकर यहाँ लाए हैं। उन पकवानों की बिक्री से जो पैसे आएंगे वो अनाथालय के बच्चों को जाएंगे, जिससे आपके बच्चे सीखेंगे केयरिंग, शेयरिंग, एक दूसरे से प्यार। बाल्टी रिया के बाल छोड़ो, ये के बाल छोड़ो। वन मिनट प्लीज, मैं अभी आई। ओ हाँ, इस फूड स्टॉल के इंचार्ज है टीना के फादर मिस्टर पुरकायस। पुरकायस जी प्लीज आइए ना। हाँ प्लीज हैंडल कीजिए। रिया हॉकी नीचे, हॉकी नीचे। चल बे, हिट एंड विन। हाँ हाँ बाबा, हाँ ठहर जा बच्चों। हाँ हाँ हो। गुड मॉर्निंग ऑल, आई एम मिथिलेश पुरकायस्थ। मुझे इंचार्ज मत समझिए, ये फूड स्टॉल तो आप सभी का है, पीटीए परिवार। सभी पेरेंट्स जो जो स्नैक्स लाए प्लीज यहाँ लाइए। अप्रिशिएट अप्रिशिएट अप्रिशिएट। ओ बाबा जी, अबे जोकर, बड़ी क्या बात है। मम्मी जी वो अभी वहाँ सीसो पे अकेला है। मैं भी अभी के साथ ना सीसो पे बैठ जाती हूँ। अभी दादी आ रही है बैठने। अप्रिशिएट। तो ये है सोया स्टीम कबाब जो मेरी वाइफ राधा ने बनाया है। और ये क्या है? मेथी की मटरी। मेथी पौष्टिकता से भरपूर। अप्रिशिएट। लेकिन नेक्स्ट टाइम ऑयल थोड़ा कम। बच्चों की सेहत इज मेन। अप्रिशिएट अप्रिशिएट। ये क्या?
क्या है? ये हमारे स्नैक्स, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। अरे ऐसा खाना कौन सा बच्चा खा सकता है? सर वो एक्चुअली हमें पहले पता नहीं था। एक मिनट। मिस्टर वालिया। जी सुमित वालिया। और ये आपकी मिसेस। जी। सॉरी टू से आपका ये स्नैक्स रिजेक्ट होता है। क्यों? कहाँ लिखा है कि हम ये नहीं ला सकते? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या हुआ कि एक्चुअली यहाँ पर लिखा है PTA ऑफिशियल मेल में, यहाँ साफ साफ लिखा है सिर्फ हेल्दी फूड, पौष्टिक आहार, जिसमें मैंने पौष्टिक आहार की अप्रूव्ड लिस्ट भेजी थी। सर सर वी आर रियली वेरी सॉरी, नेक्स्ट टाइम। सुमित, एक्सक्यूज मी मिस्टर पौष्टिक। पुरकायस्त मिथिलेश, पुरकायस्त। प्लीज आप ना पहले ये क्लास मॉनिटर की सीट से उतरिए, हमने कोई जुर्म नहीं किया। आप एक छोटी सी बात का बड़ा सा बतंगड़ बना रहे हैं। मैं बना रही हूँ या आप? माया प्लीज वो सही तो कह। अरे सुमित इन्हें कहो ना। देखिए मिस्टर पुरकायस्त, सीनियर PTA हेड मिथिलेश पुरकायस्त, जो भी हो। देखिए मैं दो बच्चों की माँ हूँ, बहुत सारा काम रहता है, मुझसे जो भी हो सकता था मैंने किया। ओके दैट्स इट। देखा दोनों बच्चों को कैसे सीधा कर दिया। मिस आप ना मुझे इस स्कूल का प्रिंसिपल बनाइए, सबको सीधा कर दूंगी। बिल्कुल मैम। डियर पेरेंट्स सब ठीक? अफसोस नॉट मिस मिश्री, जैसे कि आप देख सकते हैं मिस्टर और मिसेस वालिया का इस फूड स्टॉल में योगदान 0/0 के बराबर। कोल्ड ड्रिंक और चिप्स, ये तो हमारे स्कूल कैंटीन में भी नहीं मिलते। सॉरी लेकिन हम गलत लोग नहीं है, मैं हर साल अपना इनकम टैक्स भरता हूँ। क्या बोलो? तू चुप कर। देखिए ये मेरी बहू है। हाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस मैं बोलूंगी। इसने जो भी गलत किया उसके लिए कल कल फेयर है ना? जी जी जी। हाँ तो स्नैक्स मैं बनाऊंगी। इस लिस्ट में से? हाँ हाँ ये सब कुछ बनाऊंगी ताकि हमारे परिवार पे जो शर्मिंदगी का कीचड़ पड़ा है ना उसे धो सकूं। हाँ। मम्मी जी क्या जरूरत है? जरूरत है, अरे छोटों की गलतियों पर पर्दा डालना ये बड़ों का काम है। मैं अभी को सीसो से उतार के आती हूँ। अबे बोनू, पहली बार ऐसी गेम खेली है जो दिल्ली वालों के लिए बनी है, मतलब बंदे को पीटो और इनाम जीतो। फॉर्चून टेलर मुनु चल किस्मत पढ़वाते, चल तू जा, मुझे पता है आगे क्या होना है। शर्मिंदगी का कीचड़। शर्मिंदगी का कीचड़, ऐसा घटिया डायलॉग सी ग्रेड फिल्मों में भी नहीं होता। मैंने मम्मी जी को कुछ भी बनाने से मना कर दिया है। कल का स्नैक हम प्रिपेयर करेंगे, एक से एक बढ़कर पौष्टिक आहार। लिस्ट लाओ मैं चूज करूँ कौन सा। ये लो, ये पुरकायस्त की ऑफिशियल फूड। कुछ नहीं लेके जाएगा, ठीक है? मैंने भी PTA का ईमेल पढ़ा था, एक बार एक स्नैक लाना था, वो हो गया, चिप्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स। पर वो पौष्टिक आहार नहीं था माया। अब सुबह 9 बजे सिर्फ चिप्स की दुकान खोली थी तो मैं क्या करूं? और वैसे भी सुमित ये बात ना खाने की नहीं है, बात ये है कि तुमने मेरी साइड नहीं ली उस पोपट लाल के खिलाफ। और तुम किसी को अपनी साइड लेने दे नहीं रही थी, बस चिल्ला रही थी। मैं चिल्ला नहीं रही थी, मैं बस अपनी पॉइंट सामने रख रही थी जिसे सुन के तुम पीछे हट रहे थे। क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है, बचपन से देखता आ रहा हूँ। मम्मी जी पापा जी का पब्लिक प्लेस में किसी से भी पंगा लेना, हम जब फिल्म देखने जाते थे ना तो पापा जी किसी भी रोते हुए बच्चे को लेकर दहाड़ना शुरू कर देते थे, फिर मम्मी जी शुरू हो जाती थी, लोग स्क्रीन को छोड़ के हमारी फैमिली को देखना शुरू कर देते थे, और मैं और रजनीश तो सीट में दबके शर्म से लाल।
पॉपकॉर्न के टब में ना अपनी मुंडी छुपाते रहते थे। ओ सुमित, मैं तुम्हारी लाइफ की ट्रेजेडी समझ सकती हूँ, लेकिन उस खड़ूस के सामने मैं नहीं झुकने वाली। माया, ये वो ईगो वाला झुकना नहीं है, ये वो वाला है जब घर की छत थोड़ी सी नीची हो तो सर अपना थोड़ा सा नीचे करना पड़ता है, ये वो वाला है। अच्छा, तो तुम झुको ना। पता नहीं क्यों अच्छा इंसान बनने का भूत सवार है तुम पे। लो, अब अच्छा होना भी बुरा हो गया। नहीं सुमित, नहीं, लेकिन उस पुचका लाल के लिए अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है। कल कोई स्नैक नहीं जाएगा। सोच, ये आलिया के एकेडमिक फ्यूचर के लिए खतरनाक हो सकता है। फाइनल ईयर में एक स्कॉलरशिप है और दो उम्मीदवार, आलिया और टीना, और मिस मिस्त्री को सिर्फ एक ही चूज करना है। अब ऐसा ना हो कि उसकी सोच दो है सेकंड स्टैंडर्ड तक रिवाइंड हो जाए। तले हुए चिप्स, सोया कबाब, चिप्स सोया, चिप्स सोया, और स्कॉलरशिप चली गई टीना को। मिस मिस्री ऐसी नहीं है, ओके? और रही बात उस पुरखा लाल की, तो जब कल हम फन फेयर में जाएंगे बिना स्नैक्स लिए, तब तुम उसे कहना क्या, मॉनिटर के बच्चे अबे सुन, ये धौंस ना किसी और को दिखा, मेरी बीवी चिप्स के बदले पत्थर भी लाए ना, तभी तो उससे इस तरह बात नहीं कर सकता, समझे चश्मिश। I'm sorry, मैं ऐसे बात नहीं करता। जानती हूँ, मिस्टर गुड बॉय। मैं कम ऑन यार। अबे बनू, तैयारी हो गई, मेले में चले? हाँ बाबू जी, आप लोग तो आलिया से भी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो। अबे एक्साइटेड क्यों नहीं होंगे, जोक मारने से ज्यादा मजा तो जोकर को मारने में आता है। और क्या, सारी रात अपने थ्रो की प्रैक्टिस करता रहा है ना बाबू जी। कल का पंगा काफी नहीं था क्या? ओ वो चश्मिश फुग्गा जो तेरे को धमकी दे रहा था। धमकी नहीं, वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। डरपोक। अबे और लाद को शर्मिंदा करेगा? शर्मिंदा और क्या, जरा बता इसे कि मैंने लाइफ में आज तक तुम दोनों को कभी शर्मिंदा होने दिया? सोच क्या रहा? अबे जब किसी ने भी पंगा लिया मैंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। अबे सोच क्या रहा है? मैं क्या सोच रहा हूं? तो आप चाहते हो कि मैं पुरकायस्त को पीट दूं? पेल डाल। अरे लेकिन उसने किया क्या है? माया भी उसके पीछे पड़ी हुई है कि हमारे घर से कोई भी स्नैक्स नहीं जाएगा। लेकिन पापा जी, मैंने भी फैसला कर लिया, मैं स्नैक्स लेकर जाने वाला हूँ। तू अपनी बीवी की बात ना मान के उस लपाड़ी की बात मान रहा है? अबे उन जोकर का तो पता नहीं, लेकिन आज ये तो गया। ये पड़ी माया की सुमित को। एक्सक्यूज मी को पेरेंट्स, आप में से जो भी स्नैक्स लाए प्लीज यहाँ appreciate. देखो कैसे घूर रहा है मुझे। तुम भी तो घूर रही हो। बोल बोल, कुछ तो बोल। एक बार स्नैक्स मांग के देख, फिर देख मैं तेरी ना। मिस्टर वालिया। अरे माया, मम्मी जी प्रिंसिपल को डांट रही हैं। अगर प्रिंसिपल को पता चल जाएगा कि आलिया के दादी है तो आलिया को स्कूल से निकाल देंगे। मम्मी जी, लकड़ी नीचे, लकड़ी नीचे। दोनों लेडीज को भगा दिया पापा जी। क्यों मैडम, आपका बोलो फुटूरे क्या कहता है, सुमित संभाल लेगा। मिस्टर पुरकायस्त। अरे मिस्टर वालिया, आप जो स्नैक्स। नाम मत लो। वाह, झाड़ियों के पीछे। झाड़ियों के पीछे क्या है? काला ब्रीफकेस, सारा माल उसी में, गिन लेना और जल्दी निकलो इससे पहले कि कोई यहाँ पे आ जाए। गो, गो।
ये ब्रीफकेस वहां पर। जल्दी काउंटर पे रख दो। पनीर के सैंडविचेस, अप्रिशिएट। उबली हुई गाजर, अप्रिशिएट। रोट्स, अप्रिशिएट। मिस्टर वालिया, आई फुल्ली अप्रिशिएट। अरे ये तो पौष्टिकता का फुवारा है। आपने पूरी फूड लिस्ट में से गिनो मत, सब रख लो। और किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मैंने दिए। दिस इज नॉट फेयर मिस्टर वालिया। आप मेरा नाम नहीं। माया वापस आ रही है। आपका कार्ड कुछ भी बोले, मेरे को लग रहा है आप धमाका होगा। सुमित, तुम्हारी मम्मी जी ने तो प्रिंसिपल को हिला दिया, कुछ सीखो ना उनसे। मिसेस वालिया, आई मस्ट अप्रिशिएट, थैंक यू वेरी मच। आप ताना मार रहे हैं, हम कुछ नहीं लाए इसलिए। प्रिंसिपल को बचाने के लिए थैंक यू। मिस्टर पुरकायस, आप भी ना। चलो ना माया। नो 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 नो, आपकी मेहनत का श्रेय आपको मिलना ही चाहिए। यार रख लो ना पूरा का पूरा क्रेडिट। माया चलो हम सीसो पे जाके थोड़ा सा खेलते हैं। एक मिनट, आप किसकी बात कर रहे हैं? अब फटेगा बॉम्ब। मैडम कान बंद कर लो। कर लो, आपके टैलेंट पत्तों में नहीं हो गई, कर लो। ये शानदार पौष्टिकता से भरपूर स्नैक्स जो कि कोई भी लाया हो क्या फर्क पड़ता है तो बच्चों के लिए ना। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। माया हमारे बच्चे कहाँ पे गए? अवि और आलिया, उनको ढूंढने निकले हम लोग? नो 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 नो, अरे आप तो एक मिसाल है। गलती का एहसास क्या होता है कोई आपसे सीखे। आपने जो स्नैक्स हमें दिए वो हमने स्नैक्स आपके हस्बैंड मिस्टर सुमित वालिया ने अप्रिशिएट। सुमित? हाँ मैंने दिए पौष्टिक आहार। रख लो रख लो, चाट लो सारे। कच्चे केले, रागी के बिस्किट, खाओ 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 खाओ। मिस्टर वालिया प्लीज। नो नो नो, आई विल नॉट प्लीज टुडे। पौष्टिक आहार, इतनी कैलोरीज, इतना फैट, इतना प्रोटीन। सारी रात को ना हर स्नैक के न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में पढ़ पढ़ के मैं पागल हो गया हूं। इतना तो मैंने बोर्ड एग्जाम में भी नहीं पढ़ा था। अरे डरा के रखा हुआ है आप लोगों ने। अगर बच्चे थोड़े से चिप्स खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? दिमाग रुक जाएगा। हाँ शादी शादी नहीं होगी। मिसेस वालिया प्लीज थोड़ा सा। एक मिनट, हम तो रस्तों के ठेलों से चाट पापड़ी खा के बड़े हुए हैं, हमारा दिमाग रुक गया, शादी नहीं हुई। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ मिस्टर मिथिलेश पुरकायस, डूब मरो। अपनी बीवी के सोया स्टीम्ड कबाब्स में। इसमें मेरी राधा के कबाब्स का क्या दोष? कोई दोष नहीं है सर, आप शांत रहिए। I'm so sorry. यहां कौन लड़ रहा है? हाँ देख लूंगी। पता नहीं आज मुझे क्या हो गया था। पता करना है तो वीडियो देख लेना। मिसेस चड्डा ने इंटरनेट पे अपलोड किया है। चलो इससे तुम्हारी शिकायत तो दूर हो गई मेरे हमेशा अच्छे बनने की। जिस तरह तुमने उस पोपटलाल का पोपट किया ना बेबी, मैं इतनी प्राउड हूं। लेकिन एक झटके में इतने बुरे बन गए? मेरा मतलब है धीरे धीरे बनो ताकि बचे। पापा जी के जिन लाइव तमाशों से मैं घबराता था, आज वही तमाशा मैं खुद कर बैठा। माया मैं अपना बाप बन रहा हूं।
मैं नहीं बनने दूंगी सुमित। कल से डाइट शुरू, स्टीम सोया कबाब्स। इसे कबाब से याद है? हाँ। अगले संडे आलिया के कुछ फ्रेंड घर पे आ रहे हैं, लंच में क्या रखें? चलो चलो बच्चे लोग, खाने का टाइम। एक मिनट बताती हूँ, कचालू भेल, सोया चकली, परवल पिज्जा, आलू टिक्की, बेक पैटीज, क्या क्या है देखो, चलो शुरू करो। चीज और गोला कहाँ है? Bum 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 b